देखो, एरिया बाउंडेड का जो भी कोई क्वेश्चन था, मैंने उसमें कहा था तुम्हें कितना, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड का, पहला था कर्व ट्रेसिंग, वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब दूसरा है एरिया एक्सप्रेशन। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये आज। उसके बाद है कैलकुलेशन वाला पार्ट। इसमें केवल इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है? तो मेन जो पार्ट है हमारे पास है वो है एरिया एक्सप्रेशन लिखना। कैसे लिखा जाएगा एरिया एक्सप्रेशन? देखो, जो एरिया होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल्स टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक वाई डी एक्स। इसका मतलब क्या, पहले समझ। देखो, हमारे पास ये कोई भी कर्व है, ये एक लाइन है एक्स इज इक्वल्स टू ए, और ये कोई लाइन है एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है? इसमें ना यहाँ कहीं पे भी एक छोटी सी स्ट्रिप मान लेते हैं, जिसकी थिकनेस कितनी है डी एक्स, थिकनेस कितनी है डी एक्स, और ये इसकी हाइट बहुत छोटी सी है, इसलिए तो यहाँ इधर इधर हाइट बराबर होगी, तो इसकी हाइट मान लेते हैं भाई। तो भाई ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ लेंथ कितनी है वाई, और ब्रेथ कितनी है डी एक्स। तो इस स्ट्रिप का एरिया हो गया वाई इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया निकल गया है। इसका मतलब यह है कि कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया क्या है, ये एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। और इस तरह की जब हमने जितनी भी स्ट्रिप्स बनेंगे उन सब स्ट्रिप्स को ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर दिया, ए से बी तक इंटीग्रेट कर, तो पूरे का एरिया आ गया। तो जब भी लिखा जाता है ना ऐसे करके, एरिया इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक वाई डी एक्स। इसे ना सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी तक वाई डी एक्स। अगर ये डी एक्स लिखा है ना, तो ये एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक ही होगा। इसका मतलब समझ लो क्या होता है। इसका मतलब होता है एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ध्यान रखना, ये कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। ये मत सोच लेना कि अंदर का एरिया बाहर का एरिया, अंदर बाहर कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ जो होता है वो होता है कर्व एंड एक्स एक्सिस, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो ये तुम्हें जो कन्फ्यूजन होगा। मान ले कर्व है और यहां लिखा है वन और यहां लिखा है थ्री। अगर वन से थ्री तक वाई डी एक्स लिखा है, तो इसका मतलब इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगा वो ये वाला है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर फिगर ऐसे बनी हुई है, ये मान लो वन है और यहाँ थ्री है, और हम इसमें ऐसे लिखते हैं वन से थ्री तक वाई डी एक्स, तो इस बार क्या आएगा, वही एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। देखो, ये कर्व और ये एक्स एक्सिस ये वाला आएगा, प्लस ये कर्व और एक्स एक्सिस ये वाला। एक से लेके तीन तक कर्व और, देखो कर्व और एक्स एक्सिस, यहाँ भी कर्व और एक्स एक्सिस, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया आएगा वो लिखा जाएगा, ठीक है? ये चीज़ और आगे क्लियर करेंगे हम अभी आगे अगले वीडियो में।